आप क्या करते हैं, क्या आपको क्या लगता है, कैमरा भी देख रहे हैं? तो बिना ट्रैफिक रूल तोड़े ही यहाँ पे चलान आपको काट दिया जाता है अगर आप अदर स्टेट या अदर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो। सो गाइस फाइनली अपने बाइक पर यहाँ देख सकते हैं लोगो मैंने लगा दिया इंस्टाग्राम का एंड यूट्यूब का भी, तो फॉलो नहीं करे हो तो फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और यहाँ भी देख ही रहे हो नवनीसा 21। ये ब्लू कलर का रहता है ना तो ज़्यादा बाइक के अंदर लगवाने वाले हैं LED फ्लैशर जो कि यहाँ पे फ्लैशर में लगेगा एंड यहाँ पे अभी लोगो वगैरह लग चुका है 350 का LED फ्लैशर नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक BMW का बाइक है, 24 लाख का गाड़ी है, देख सकते हैं फुल्ली पावरफुल गाड़ी, एज यू कैन सी BMW सुपर बाइक है एक तरह से कहा जाता है। सो गाइस फाइनली अपने बाइक के अंदर मैं काम करवाने आया हूँ एंड यहाँ पे स्टिकरिंग भी करवाना है, तो स्टिकरिंग तो हो गया है, यहाँ पे एक यूट्यूब का लोगो एंड आगे वाइजर में भी है, वाइजर वहाँ पे रखते हैं भी लगवा रहे हैं फ्लैशर LED फ्लैशर जो कि देख रहे हैं। एक बार हल्का जहर साउंड है, इसे जहर साउंड है काफी हल्का, इसे कर लीजिए। तबाही साउंड। तो भैया ये है BMW का एग्जॉस्ट गाइस, जैसा कि देखा यहाँ पे BMW 20 लाख का बाइक है एंड इसका एग्जॉस्ट भी आपने सुना काफ़ी ज़्यादा लाउड है, काफ़ी बेस भी है देख सकते हैं, और इंजन भी इसका बहुत बड़ा है। A few moments later. अभी हमें पटना में फाइनली बाइक का जो ओवरऑल वर्क है वो हो गया, यहाँ पर एक मैंने इसका वाइजर चेंज करवाया है हेलमेट का एंड हमारे साथ है भाई ऋषभ भाई जो कि मधुबनी से है एंड ये मेरे मतलब कि यूट्यूब फ्रेंड है कह सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब के थ्रू मिले हम दोनों अभी और भाई अभी पटना में मिले हैं। तो मैं भी दो दिन पहले ही पटना आया हूँ यहाँ पे, अभी ब्लॉग बनाने के लिए मैं भी यहाँ आया हूँ। भाई आज भाई तो दो दिन पहले आए लेकिन मेरे को फोन किया आज मिलने के लिए, तो मैं भी आया इनसे मिलने के लिए, अभी इनका गाड़ी का काम हो गया तो भी अपना निकल रहे हैं। और गाड़ी का जो लाइट वगैरह का काम था सब हो गया है, यहाँ पर ये माउंट वगैरह लग गया है। चैनल ऋषभ ट्रैवलर के नाम से आप चेकआउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। श्याम ऑटो में पटना में मैं था, ठीक है काम वाम करवाए हैं, ठीक है भाई क्या फिर मिलते हैं, चलिए ठीक निकलते हैं, अभी चलते हैं वापस घर की ओर, पटना का जो एक्सप्लोर था वो मैंने यहाँ तक कम्प्लीट कर लिया। और साहब आ रहे हैं, ठीक है आपसे बोलिए आ जाइए। वही सर लाइसेंस तो दोस्तों साहब आ रहे हैं, कैमरा लगा हुआ है चारों पट्टी, हाथ हमको नहीं दिया यहाँ कोई दिक्कत नहीं, एक कैमरा है आप सिग्नल तोड़ के बीच में नहीं तोड़े हैं सर, वहाँ बगल में ठेला भी था सर, अच्छा भैया ठेला भी था, हाँ बुलाए हमको तब हम आए, हम लोग बहुत इंडिया घूमते हैं, ऐसे नहीं है हम लोग सर इंडिया पूरा घूमते हैं बाइक से, लद्दाख जाने वाले हैं, लद्दाख जानते हैं दिल्ली से भी उधर, इनको पीछे से देख रहे हैं सर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, आप क्या करते हैं, आपको क्या लगता है, कैमरा भी देख रहे हैं, हम भी कैमरा देख रहे हैं, देखिए सर वो जब हाथ दिए तो रुके हैं, कहाँ गाड़ी लेके आए हैं वहाँ बीच में लेकर क्या गए, लेकिन इनका गलती वहाँ नहीं रुक सकते थे। तो गाइस जैसा कि आपने देखा यहाँ पे अभी जो पटना की पुलिस है ट्रैफिक पुलिस, उसने किस तरीके से धांधली किया यहाँ पे मेरे साथ, मतलब कि कहा जाए तो दोस्तों मैंने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा भी नहीं, ठीक है लेकिन फिर भी उसने गाड़ी को और अदर डिस्ट्रिक्ट का नंबर देख के ट्रैफिक पुलिस ने मेरे से ज़बरदस्ती चलान के लिए मतलब कि ये कर रहा था और बोला था कि 5000 का चलान कटेगा। अंदर का पूरा वीडियो मैं नहीं ले पाया हूँ लेकिन अंदर में बहुत ज़्यादा हरासमेंट टाइप से करता है ताकि लोग उसको घूस दे दें, रिश्वत दे दें, ठीक है 5000 का चलान का धमकी देते हुए 5000 का चलान का धमकी दे रहा था। इसी बीच में एक लड़का आया जो कि जैसा कि आपने देखा वो मेडिकल स्टाफ था एंड उसने मुझे बोला कि मतलब उसने पुलिस वाले को बोला कि आपने क्यों इसको पकड़ा, क्योंकि इसने तो सिग्नल भी नहीं तोड़ा फिर भी आपने इसको पकड़ लिया है चलान के लिए, यानी कि चलान नहीं काटता वो 5000 का, उसको मतलब कि कहा जाए तो वो पैसा मेरे से ऐड था
रिश्वत के रूप में, क्योंकि मैं उसको डर के 500,000 या जो भी 500,000 उसको मैं दे देता, तो इस वजह से उसने मतलब मुझे रोका था, ठीक है। एंड मैंने मतलब कि भगवान का शुक्र है कि वो लड़का आ गया, मैं तो नहीं, मैं तो नहीं हुई इस सिटी में, इस वजह से उसने मुझे आके हेल्प किया, ठीक है। तो बाकी आपने देखा पटना पुलिस की कारनामा किस तरीके से है, तो ऐसे में भाई कोई दूसरे स्टेट से या दूसरे कंट्री से कैसे कोई आ सकता है घूमने के लिए, जब ऐसा यहाँ का सिस्टम होता है, आप समझ सकते हैं। तो बिना ट्रैफिक रूल तोड़े ही यहाँ पे चलान आपको काट दिया जाता है अगर आप अदर स्टेट या अदर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो, और ख़ास करके अगर आपके पास अच्छी खासी बाइक हो तब तो और ज़्यादा। तो मतलब यार बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाला सीन हो चुका है अभी मेरे साथ में। एक जो लेडीज़ ऑफिसर थी उसने मेरा वीडियो डिलीट भी कर दिया, लेकिन रिसेंटली डिलीट हुए जो वीडियो होता है ना वो रहता ही है, तो मैंने उसको फिर से रिकवर कर लिया और मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ फेसबुक यूट्यूब पे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए ताकि पटना पुलिस, बिहार पुलिस का जो चेहरा है ना रिश्वतखोरी के रूप में, वो सामने आ सके। एक तो वो मतलब कि जब हाथ दिया तो जस्ट मैं ट्रैफिक में रुक गया, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पे आके ऐसे मतलब कर रहा था, ठीक है। तो अभी चलिए अभी निकलते हैं घर की ओर, बहुत लेट हो चुका है। एंड टाइम देख सकते हैं यहाँ पे कितना बज रहा है, लगभग 2 बजने वाले। तो अभी निकलते हैं अभी लेट हो गाइस ऑन मोटरबाइक। सो गाइस फाइनली अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहा है, अभी मैं अपने घर के लिए निकल चुका हूँ अपने बाइक से। एंड यहाँ पे देख सकते हैं माउंट वगैरह सब प्रॉपर हो चुका है, और ये देखिए हेलमेट के ऊपर कितना सारा कीड़ा मर चुका है, बहुत सारा। और अभी जा रहे हैं ऑन द वे टू हाउस, पटना से मैं निकल चुका हूँ। एंड दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि कैसा हुआ मेरे साथ, मतलब पटना पुलिस के द्वारा, कि मतलब उसने ज़बरदस्ती मेरे से चालान कटने के लिए बोला था, जब तक कि मतलब कि यहाँ तक मैंने सिग्नल तोड़ने की तो दूर की बात, जब वो हाथ दिया तो मैं रुक भी गया था। उस टाइम पे मेरे पास गोप्रो नहीं था, मतलब गोप्रो तो है ही नहीं, इस वजह से मैं वीडियो नहीं कर पाया। अगर मेरे पास गोप्रो होता तो पूरा उसका कारनामा रिकॉर्ड होता पटना ट्रैफिक पुलिस की। आए दिन ऐसे यूट्यूबर लोग के साथ परेशानी होती रहती है, क्योंकि जो पटना के मतलब पुलिस है ना, ट्रैफिक पुलिस, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ठीक है। तो सनसेट हो चुकी है, शाम हो चुकी है, एंड अभी चलते हैं घर। यहाँ से अप्रॉक्स वही 70 किलोमीटर मेरा घर होगा, ठीक है। तो घर पहुँचते रात हो जाएगा। तो अभी मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको रोड का व्यू नहीं दे पा रहा हूँ, और मेरे पास एक्शन कैमरा भी नहीं है, तो इसलिए आप लोग डायरेक्ट मेरा ये ब्लॉग देखिए। अभी देखिए चलते हैं। और दोस्तों अभी देखिए 1000 लाइट का देखिए कमाल, पहले के मुकाबले अभी कैसी लग रही है, एज यू कैन सी नवनीत सा व्लॉग्स, नवनीत सा इंस्टाग्राम फॉलो एंड सब्सक्राइब, लेट्स